मुरादाबाद में कांट रोड स्थित फरद इदरीसी के आवास पर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वसहमति के साथ राजनीतिक एवं सामाजिक संस्था के लोगों ने पहुंचकर बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में राजनीतिक एवं समाज सेवी संस्था के लोग पहुंचे और कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बैठक में आए सभी लोगों से वार्ता करके सबकी सहमति होने पर सब दल एकता मंच का गठन किया। वक्ताओं ने कहा कि इस मंच के माध्यम से समाज में जाकर आम आदमी के अधिकारों के लिए संघर्ष करना रहेगा। सर्वदल एकता मंच में मुख्य रूप से नासिर इदरीस को अध्यक्ष पद के लिए, महेंद्र पासवान को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर, सरदार धनवान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर, डॉक्टर अनवर सलीम को राष्ट्रीय संयोजक के पद पर, फरद अली इदरीसी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में, तनरीज खान को राष्ट्रीय सचिव के पद पर, जबकि उमर फारूक को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के साथ, अजीत दहिया को प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, मेहरबानो उर्फ सिमरन को महिला प्रदेश प्रभारी बनाया गया। इन लोगों ने पद ग्रहण करते हुए बताया कि वे समाज से बुराइयों को जड़ से मिटा देंगे और जो आम आदमी की परेशानियां हैं उसे सरकार के सामने लाकर उसकी आवाज बंद करेंगे। मैं युवा जन क्रांति पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूं और आज मुरादाबाद के सरजमीन में एक महान घटना घटी है। 27 फरवरी दिन शनिवार को यहां पे कई राजनीतिक दल जो हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वयंसेवी संस्थान के सारे लोग मिले हैं, जो देश की राजनीति की गिरती हुई दिशा और दशा है इसके लिए एक संगठन बना है, जो खासतौर से युवाओं के लिए शिक्षा पे, धर्म पे जो उन्मादी विचारधाराएं पनप रही हैं, इनको किसान आंदोलन को लेके, शिक्षा, रोटी, नौकरी, स्वास्थ्य, तमाम इन मुद्दों पे जो है हम बात करेंगे। और ये संगठन आने वाला भारत की राजनीति में परिवर्तन का सबसे बड़ा एक मार्गदर्शन तैयार करेगा। और इसका जो मूल तत्व है वो ये है कि जो दशा और दिशा हमें देश को बदलनी है, जो युवा बेरोजगार है उसे लाना है। आज डिबेट होती है खासतौर से चैनल माध्यमों से जो धर्म पे होती है, मेन मुद्दे से हटा के होती है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है, बेरोजगारी, यहाँ तक कि जो डॉलर है वो दिन पे दिन कितने नीचे जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं समाज में। इसके लिए ये जो एक मंच बना है, इस माध्यम से हम समाज को एक राजनीतिक स्वस्थ मानसिकता देना चाहते हैं, जो स्वर्दल मंच के रूप में ये हमारे आ रहा है और इसमें तमाम विविधताएं हैं, विचारधाराओं की हैं, जो हम लोग मिलके इसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आज जो है सर्वदल एकता मंच का गठन हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक, कोषाध्यक्ष, तमाम ऐसे सदस्यों का जो चुनाव किया गया है वो सारी चीज़ें, और हमारी आगे की बैठक दिल्ली में अप्रैल में होगी और मार्च में जंतर मंतर तक हम जाएंगे, ताकि जनमानस की आवाज़ इस सत्ता और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि समता, समानता, बंधुत्व की बात, खासतौर से जो भारत का प्रियम्बुल है, उद्देश्य का है, हम ये मंच जो है उसके भागीदारी समाज के लोगों को देने के लिए दिन रात काम करेगा। और आपके माध्यम से मैं आम जनमानस को बताना चाहता हूँ कि ये मंच जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं 2021 में, वो भी हम लड़ेंगे, और ख़ास तौर से उसके बाद तैयारी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए। और भारत में कहीं भी प्रदेश में चुनाव होगा, अगर हमारा संगठन इजाज़त देता है तो हम लोग हर प्रदेश में भी इस विचारधारा को लेके जाके परिवर्तन का एक शुरुआत की जाएगी। ठीक, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर अनवर सलीम है, नेशनल अमन पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस मंच का संयोजक व संस्थापक का पद मुझे दिया गया है। और हम सब लोग ने मिलकर ये सोचा है कि 2022 के चुनाव में हम अलग अलग चुनाव ना लड़ करके इकट्ठे होकर के एक ही मंच के ऊपर चुनाव लड़ा जाए, ताकि हम विधानसभा के अंदर एक गठबंधन वाली सरकार बने, जो सरकार अपनी मनमानी ना करे, सर्व समाज के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, सारे चीज़ों के लिए जो है काम करें, ये मंच का जो है उद्देश्य है। ठीक जी, मेरा नाम महेंद्र पासवान है जी। किस संगठन से है मामला ये और क्या कार्यक्रम है? हम दिल्ली से आए हैं, हमारी एक पार्टी है मजदूर किराएदार विकास पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज का जो ये सर्वदलों की जो एक बैठक हुई, जिसमें जो जिस तरह से सरकारें अपनी मनमर्जी कर रही हैं, उसके विपक्ष में अगर कोई बोलने वाला ना हो तो मनमाना करती चली जाती सरकारें। तो हम लोगों ने सभी दलों को इकट्ठा करके एक
मंच तैयार किया है जिसका नाम है सर्वदल एकता मंच, और आज उसी के मंच के माध्यम से ये आज का गठन हुआ। माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया और कुछ गठन हो गया है, कुछ अभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो अभी चुनाव आने वाला है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव में हम लोग पूरा टक्कर दें।